हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि स्कॉलरशिप एफिडेविट का फॉर्मेट कैसा होता है। ये फॉर्मेट एकदम छोटा सा फॉर्मेट है। मैंने वैसे स्कॉलरशिप एफिडेविट का पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट पर ये वीडियो बना रहा हूं कि बहुत छोटा सा फॉर्मेट एक बना दीजिए स्कॉलरशिप एफिडेविट का। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि स्कॉलरशिप एफिडेविट का ये फॉर्मेट आप बिना कॉलेज की अनुमति से ना बनवाइएगा। जब कॉलेज अनुमति दे कि हाँ ये एफिडेविट आप लगा सकते हैं तभी आप लगाइएगा, अन्यथा ये एफिडेविट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, इसमें ज्यादा मैटर नहीं है, इसलिए इसको आप बिना कॉलेज की अनुमति से नहीं लगाएंगे। बहुत से स्टूडेंट ने हमसे कमेंट करके बोला सर स्कॉलरशिप एफिडेविट का एकदम छोटा सा फॉर्मेट कोई बनाइए, तो ये मैं फॉर्मेट लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्कॉलरशिप एफिडेविट का एकदम छोटा सा फॉर्मेट है। यहाँ पर सबसे पहले ऐसे ऊपर आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है ऐसे ही आप भी लिख दीजिएगा कि समक्ष संस्थाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी जो उचित हो, इस तरीके से आप यहाँ पर ऊपर इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसे ही एक मैं के बाद यहाँ पर खाली जगह आपको दिख रही है, इस खाली जगह में स्टूडेंट्स अपना नाम लिख देगा, इस खाली जगह में स्टूडेंट अपना नाम लिख देगा। उसके बाद में पुत्र पुत्री फिर श्री, यहाँ पर स्टूडेंट अपने पिता का नाम लिखेगा। यदि कोई मैरिड लड़की है तो यहाँ पर एक चीज और बढ़ जाएगी, पुत्र पुत्री पत्नी, फिर यहाँ पर स्टूडेंट अपने हस्बैंड का नाम लिख देगी। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है जो ग्राम, ग्राम के बाद यहाँ खाली जगह दी है, यहाँ पर स्टूडेंट अपने ग्राम का नाम लिखेगा, या वो शहर में रहता है तो अपने सिटी का नाम लिख देगा। इसके बाद में लिखा है मोहल्ला, मोहल्ला में स्टूडेंट अपने मोहल्ले का नाम लिख देगा। यदि मोहल्ला आपको नहीं पता है कि मोहल्ले का नाम क्या लिखना है तो यहाँ पर आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखा है जनपद, तो आपका जो भी जनपद लगता हो जनपद लिख दीजिएगा, का निवासी हूं, इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा शपथ पूर्वक बयान करता करती हूँ कि मुझे कोई दूसरे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और मैंने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ आय निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य जो भी दस्तावेज संलग्न किए हैं वह पूर्णतया सत्य एवं सही हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट अपने सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर में स्टूडेंट का आधार नंबर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट के पिता पति का नाम, मतलब यदि मैरिड लड़की है तो पति का नाम, यदि अनमैरिड लड़की है और कोई लड़का है तो पिता का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में पता, यहाँ पर स्टूडेंट का पता लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर दिनांक डाल दी जाएगी। इस तरीके से एक नॉर्मल एफिडेविट, एक छोटा सा एफिडेविट आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड बना सकते हैं, लेकिन बिना कॉलेज की अनुमति से आप ये एफिडेविट नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे वीडियो बताता हूं। मैं आपको बता दूं, यदि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है तो मैं आपको बता दूं आप मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पहले भी स्कॉलरशिप में स्टूडेंट की हेल्प करता रहा हूं और इस साल भी मैं स्टूडेंट की हेल्प करूंगा। यदि आपको स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई भी इरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करके भी आपकी हेल्प करूंगा। यदि उससे रिलेटेड वीडियो बनाने हो गया तो मैं वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ, कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूँ, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।